हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिल चक कैसे खोलते हैं, दिल चक खोलने के तीन तरीके आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और आपके सामने ही खोल के भी दिखाऊंगा। तीनों ही तरीके बहुत ही सिंपल और आसान है, इसीलिए वीडियो को पर लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल चक को खोलने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, साइज रेंच, पाइप रेंच, हैमर, दिल चाबी और स्क्रू ड्राइवर। अगर आपके पास साइज रेंच और पाइप रेंच नहीं है तब भी आप इस चाक को खोल सकते हो, बस आप इस वीडियो को पर लास्ट तक देखते रहिए। ये एक बॉस कंपनी की ड्रिल मशीन है, पहले हम इसी को ही खोलेंगे। और ड्रिल चाक को खोलने से पहले इस चाक के अंदर एक स्क्रू लगा हुआ रहता है, उसे पहले खोल लीजिएगा। इस चाक के अंदर कोई स्क्रू नहीं है, खोलने से पहले एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, अगर स्क्रू लगा हुआ रहेगा तो आपका ड्रिल चाक खोलेगा नहीं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साइज रेंच फंसाने के लिए सिस्टम दिया हुआ है। इस ड्रिल चक को खोलने के लिए हमें चाहिए एक साइज रेंच, हैमर और ड्रिल चाबी। और यहाँ पर देखिए साइज रेंच फंसाने के लिए सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग अभी साइज रेंच फंसाएंगे और ड्रिल मशीन के चाबी को भी फंसाएंगे और हैमर से चोट मार के इसे खोलेंगे। आप लोग देखते रहिए। और ये चक दाहिने तरफ खोलेगा, मतलब आप होल करने के लिए जिस तरफ ड्रिल मशीन को घुमाते हैं उसी तरफ से ये खोलेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये खुल गया। मैं फटाफट इसे टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दूसरा तरीका आप लोगों को बताऊँगा। ये चक एकदम ठीक है, बस मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ही खोला था। मैं इसे टाइट कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, इससे जब हम होल करेंगे तब ये अपने आप ही टाइट हो जाएगा। और ये है दूसरा ड्रिल मशीन, ये ड्रिल मशीन ब्लैक एंड डिगर कंपनी की है। पहले हम उस मशीन को जिस तरह से खोले थे, इस मशीन को हम उस तरह से खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साइज रेंच फंसाने के लिए कोई सिस्टम दिया हुआ नहीं है। इस चाक को खोलने के लिए हमें इस मशीन को पूरा खोलना होगा। मैं फटाफट इन स्क्रू को खोल लेता हूँ। इस तरह से चाक के हिस्से को निकाल लेना है। चाक के हिस्से को निकाल लेने के बाद दो पाइप रेंच की सहायता से हम लोग इस चाक को खोलेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी खुल गया। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। और ड्रिल मशीन से जुड़े आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करें। अभी मैं आप लोगों को ड्रिल चक खोलने के लिए तीसरा तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं इसे टाइट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगा। अगर आपके पास साइज रेंच और पाइप रेंच नहीं है तब आप इस ड्रिल चक को किस तरह से खोलोगे। टाइट हो गया। पहले हम जिस तरह से खोले थे सेम वैसे ही है, बस आपको यहाँ पर ड्रिल मशीन की चाबी को फंसाना है और इस चाबी को हैमर से चोट मारते रहना है।
और ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी खुल गया। फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।